सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने वास्तविक दुनिया में वास्तविक बने, क्योंकि सभी को बाद में भुगतान करना पड़ता है। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। आज का पंचांग 2 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 8:26 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र शाम 4:27 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:36 से 2:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कन्या राशि, अभी आप जीवन में आज संघर्षों से परेशान महसूस करेंगे। थोड़े प्रयासों से आप कई समस्याओं को हल कर सकती हैं। कोई नया कौशल या प्रशिक्षण के अवसर आपको परेशान करने वाले रेढ़ों से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, आपको सफलता मिलेगी। आज कोई साझेदारी या सौदा होने की संभावना है। आपका व्यवहार आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मामलों में बढ़ने में मदद कर सकता है। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता आपकी खासियत है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लें। आज का दिन इस राशि वालों के लिए नौकरी और काम के सिलसिले में भागदौड़ करते नजर आ सकता है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सर्दी का मौसम रह सकता है। संबंधित उत्पादों में उछाल आ सकता है। नौकरी पेशा वर्ग में काम अच्छा चलेगा। बॉस के साथ अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा और भाग्य साथ देगा। पदोन्नति होने की भी अधिक संभावनाएं दिखेगी। पति पत्नी के मध्य अच्छा आपसी तालमेल रहेगा। परिवार में खुशी और उत्साह बना रहेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। आज के दिन आपके लिए प्रभाव व प्रताप में वृद्धि का दिन रहेगा। आज आपको किसी संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी, जिसके कारण आपकी संपत्ति में भी इजाफा होगा। विद्यार्थी शिक्षा व प्रतियोगिता के क्षेत्र में अशासित सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बढ़ते हुए खर्चों को देखकर थोड़ी निराशा होगी, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप उन्हें पूरा करने में सफल भी रहेंगे। सावधानियाँ, आज आपके जीवन अनुकूल हो सकती है। इस समय समस्या हमेशा बनी रहेगी, परंतु आप सोच विचार और धैर्य से काम लेंगे तो आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इस अनुकूल परिस्थिति में आपको चीज़ें किस प्रकार से हैंडल करनी है। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी आपके सितारे बुलंदी पर हैं, जिससे आप हर रोग या बाधा का सरलता से सामना कर सकते हैं। आपको महसूस होगा जैसे कि कोई अलौकिक शक्ति आपका पथ प्रदर्शन कर रही है। प्रेम के मामलों में आप खुशकिस्मत हैं। आपका अनुभव आपकी भावनात्मक ताकत को बढ़ाएगा, जिससे साथी के साथ अंतरंगता भी बढ़ेगी। रोमांटिक लम्हे बिताने के लिए आज आपके पास सबसे बढ़िया दिन है। आपकी लव लाइफ शांतिपूर्ण है और आपका केयरिंग रवैया आपके साथी का दिल जीत चुका है। आपके लिए परियों की कहानी वाला प्यार सच हो सकता है। बस अपना पूरा ध्यान अपने साथी पर रखें और नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। बात करते हैं करियर की। आपका प्रदर्शन व प्रयास किसी को भी आकर्षित करेगा। आपको मिलने वाले अवसरों को जांचें और किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लें। दिनचर्या में बदलाव कर आप रोग चिंता या बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं व विवादों से भी बच सकते हैं।
आज काम में साझेदारी या नए डील होने की संभावना है। आप योग्य हैं और इस आपके आसपास के लोग भी सहमत हैं। यह रवैया आपको मिलनसार होने में मदद करेगा और नेटवर्किंग आपके पेशेवर व व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। अपनी पुरानी गलतियों से शिक्षा लें और नई चीज़ों को ट्राई करें। बात करते हैं सेहत की। अपच से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है और दर्द भी हो सकता है। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप साई बाबा जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।